मैं देश के अंदर, हमारी पार्टी देश के अंदर कास्ट के खिलाफ कानून चाहती है। के माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी के सामने प्रकट होते हैं और एक आदेश कर देते हैं कि कल से 5,000, वो 500 और 1,000 का नोट बंद किया जाता है। तो एक दिन टीवी पे खड़े होकर ये कानून ले आइए, आज 12 बजे के बाद कास्ट पूछने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, कास्ट बताने वाले के भी खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो लोग अपने सरकारी दफ्तरों में अपनी नेम प्लेट पे जाति उपजाति का नाम लिखते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चीन जो है वो लगभग इंडिया की पॉपुलेशन के समथिंग बराबर इक्वल है, नियर अबाउट इक्वल है, और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या जो है वो 2980 है। तो मेरी पार्टी का मांग करती है कम से कम इस देश के अंदर 3,000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या हम कर देंगे ताकि हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले। मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। हमारी पार्टी का गठन अभी, हमको जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो सर्टिफिकेट मिला है वो 7 सितंबर 2020 को मिला। साथियों, आप जानते हैं कि भारत को आजाद हुए आज 73वां साल चल रहा है, और इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, उनकी जो सोच थी, सब उन्होंने जिस भारत के निर्माण का सपना देखा था, वो मैं समझता हूं कि आप सभी लोग संविधान को पढ़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर चाहते थे कि इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो। मैं समझता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद जितने भी राजनीतिक दल भारत में अपना एजेंडा लेकर आए, उन्होंने सरकारें भी बनाई, सरकारें भी चलाई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सपना था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित एक समतामूलक समाज की स्थापना करना, यह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सपना था। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल बने, उन्होंने राष्ट्र की उन्नति की ओर कम ध्यान दिया, उन्होंने शासन सत्ता जो हासिल की वो आपस में सांप्रदायिक दंगा फैलाकर, जातिवाद को लेकर इस देश में उन्होंने शासन सत्ता हासिल की। हमारी पार्टी का जो मोइन मोटो है, हम चाहते हैं कि आई वांट ए लॉ एंटी कास्ट सिस्टम। मैं देश के अंदर, हमारी पार्टी देश के अंदर कास्ट के खिलाफ कानून चाहती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा राष्ट्र की उन्नति की बात करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि सपोज कर लीजिए, आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लें और जिस रोड से आप गुजर रहे होंगे, अगर उस रोड ऊंचा नीचा है, ऊबड़ खाबड़ है, तो मैं समझता हूं आपकी महंगी से महंगी कार उस रोड पे स्पीड नहीं पकड़ सकती। दूसरा साथी मैं बताना चाहता हूं, एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, कि हम लोग जब खेती करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, और जुताई के बाद में जब बीज उसमें बोते हैं तो उसको समतल करते हैं, बराबर करते हैं। अगर खेत को बराबर न किया जाए तो स्वाभाविक रूप से जो बीज खेत के अंदर पड़ेंगे वो कोई 2 फीट गड्ढे के अंदर पड़ जाएगा, कोई 2 फीट गड्ढे के ऊपर पड़ जाएगा, और जब बीज अंकुरित होगा तो लंबाई तो दोनों की बराबर बढ़ेगी, लेकिन जो 2 फीट गड्ढे के नीचे पहले से ही बीज पड़ा हुआ है
और 2 फीट गड्ढे के ऊपर जो बीच पड़ा है, अगर मान लीजिए सपोज के लिए 1 इंच उसकी लंबाई बढ़ी, तो 1 इंच उसकी भी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन वो उसके बराबर नहीं आ सकता है। तो मेरा कहने के तात्पर्य यह है कि राष्ट्र की उन्नति की ओर अगर आपको ले जाना है, तो सबसे पहले इस देश में ऊंच नीच जात पात का जो भेदभाव देश के अंदर बड़ी भारी खाई पड़ी है, तो इसको यहां की सरकारों को समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया। हमारी पार्टी इस देश में जाति के खिलाफ कानून लाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। अगर हम रूलिंग में आते हैं, अगर हम शासन सत्ता में आते हैं, तो जाति के खिलाफ कानून बनाएंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी के सामने प्रकट होते हैं और एक आदेश कर देते हैं कि कल से 5,000, वो 500 और 1,000 का नोट बंद किया जाता है। पूरे देश की जनता ने उनकी बात को माना। दूसरे दिन से वो जो 1,000 और 500 के नोट थे, वो कागज के टुकड़े हो गए। मैं समझता हूं कि वास्तव में अगर तुम राष्ट्र की उन्नति की ओर, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हो, तो एक दिन टीवी पे खड़े होकर ये कानून ले आइए, ये निर्देश जारी कर दीजिए कि आज 12 बजे के बाद कास्ट पूछने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, कास्ट बताने वाले के भी खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो लोग अपने सरकारी दफ्तरों में अपनी नेम प्लेट पे जाति उपजाति का नाम लिखते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूं कि हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया होने में फिर देर नहीं लगेगी। दूसरा, हमारी पार्टी का एक और एजेंडा है। मैं चाहता हूं इस देश के अंदर आप भारत को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हो, ये विदेशों की नीति लाके हमारे देश में लागू करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जो वहां की नीति, उन कंट्रियों की जो नीतियां हैं जिससे वहां का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, उन कंट्री को हमारे देश के अंदर लागू नहीं किया जाता है। सपोज कर लीजिए कि आज किसी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र अगर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, और उसी व्यक्ति को फिर 4 जिले दे दिए जाए कि तुम्हें 4 जिलों की जनता को संभालना है, तो जो व्यक्ति एक जिले को अच्छी तरीके से संभाल सकता है, मैं समझता हूं कि 4 जनपदों को संभालने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो जब विदेशी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आप लाना चाहते हो, आपको मैं बता दूं, जो कुछ हमारे प्रिंट मीडिया के लोग अगर बैठे हो तो नोट भी कर ले, आबादी के हिसाब से हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी संख्या अन्य कंट्रियों की अपेक्षा बहुत कम है। जैसे आप सपोज कर लीजिए इंग्लैंड में 5 करोड़ की आबादी है और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1414 है। इसी तरह से रूस में 14.5 करोड़ की आबादी है और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या है 620। जापान में आप देख लीजिए 13 करोड़ की आबादी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या है 925। जर्मनी में आप देख लीजिए, वहां की पॉपुलेशन 8 करोड़ है और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 709 है। तमाम आंकड़े हैं अदर कंट्री के। चीन जो है वो लगभग इंडिया की पॉपुलेशन के समथिंग बराबर इक्वल है, नियर अबाउट इक्वल है, और वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या जो है वो 2980 है। आप जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन, मैं समझता हूं इस समय नियर अबाउट 140 समथिंग हो गई होगी। तो मेरी पार्टी का मांग करती है, और हम इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे, और मुझे अगर मौका मिला सरकार बनाने का, तो कम से कम इस देश के अंदर 3,000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या हम कर देंगे, ताकि हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले और जिस प्रतिनिधि डेलीगेट्स का जो एरिया कम होगा तो वहां पे ए, ए, बहुत उसको दौड़ना ही नहीं पड़ेगा,
वहां पे उसको समय कम देना पड़ेगा और ज्यादा विकास होगा। ये हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है।